everyone. Good morning, and I can see a lot of people posting a lot of discussion pointers, and I can see on my personal window also there are a lot of people who have posted questions. So I've got so far 3 questions that are relevant to our discussion right now, so I'm going to cover that bit by bit in videos. The first question that a person asked is, I do not understand whether my handwriting is small or big. Okay, how do I understand whether my handwriting is small or big? And the second question, of course, the one we have posted, which one is a better personality, a big personality, small personality, or extreme personality? So can we term a small handwriting person or a big handwriting person a better than the others? And there are some other questions also. We will go one by one. I feel that, one person has posted a question that I do not understand why I am not good at communication, but my handwriting is not small. So all the questions will be answered bit by bit in video. Let me share the first answer. Which one is a better handwriting? Can we term big handwriting as better personalities than others? No. Why? Let me share an example with you. मैं एक आपसे example share करती हूँ. We all have come across 3 kinds of people throughout a journey. Introvert, extrovert, and one who is ambivert. Ambivert यानी क्या? Balanced person. Now we all know that introvert personality is a person who does not voice out his opinion out in open. Okay, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं. वो उनके circles जो है वो selected होते हैं. उनमें वो comfortable होते हैं. They are little shy, right? So these are the ones जिनको communication issues हो सकते हैं. So think of the celebrities who are introvert. अक्षय कुमार इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन. सचिन तेंदुलकर इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन. सनी देओल जो पर्दे पे दहाड़ते हैं, ही हैज़ वेरी क्लियरली मेंशन दैट ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टेज फ्राइट. ओके, जॉनी डेप हु इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर हैज़ बीन लाइक फॉर 10 ईयर्स ही नेवर गेव इंटरव्यूज. ही इज़ अफ्रेड ऑफ इंटरव्यूज एंड इन मेनी ऑफ द इंटरव्यूज अक्षय कुमार हैज़ सेड दैट मुझे समझ ही नहीं आता कि पार्टीज में जाके मैं बात क्या करूँ. सो आई फील कंफर्टेबल इन माई ओन जोन्स. सो दीज आर द पर्सनैलिटीज हु आर इंट्रोवर्ट बट दे आर एक्सेलेंट इन वॉट दे आर डूइंग. सो कैन आई टर्म देम एज नेगेटिव पर्सनैलिटीज? नो, दैट इज जस्ट देयर पर्सनैलिटी. सिमिलरली एक्सट्रोवर्ट्स विल हैव अ सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड दे विल हैव अ सेट ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो. आई विल कॉल इट एज चैलेंजेस. एंड एम्बीवर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट? इन द सेंस दे नो वेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, राइट, हाउ मच टू स्पीक, एंड दे आर अ लिटिल डिप्लोमेटिक ऑल्सो. सो वेन यू लुक एट एन एम्बिवर्ट पर्सन वेन ही लुक्स एट एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, वो शायद कह सकता है कि काश मैं उस एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जैसे ओपनली बात कर सकता, लेकिन मैं डरता हूँ, मैं शायद उतना नहीं बोल पाऊंगा. सो ही कीप्स दैट बैलेंस. सिमिलरली वेन इंट्रोवर्ट पर्सन सीज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ही मे फील दैट काश मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता. सिमिलरली वेन एक्सट्रोवर्ट पर्सन सीज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, ही मे फील दैट काश मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर पाता, काश आई वुड हैव दैट आई फॉर डिटेल दैट अ स्मॉल हैंड राइटिंग पर्सन हैज. सो इफ यू सी एवरी पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस. सो यू कॉन्ट टर्म देम एज बेस्ट पर्सनैलिटीज. वी आर कॉम्बो प्रोडक्ट. सो इसीलिए सब कुछ उसमें है. वॉट वी कैन डू इज थ्रू हैंड राइटिंग एनालिसिस यू विल बी मोर सेल्फ अवेयर कि क्या मेरे लिमिटेशंस है और उसको कैसे ओवरकम करना है. वो ग्राफोथेरेपी टिप्स से होता है, राइट? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन.